सभी अभिनेताओं का हमारे चैनल पर आज एक बार फिर से सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर एक न्यूज़ देने वाला हूँ, जानकारी इन्फॉर्मेशन फायर की, जिन्होंने अभी फॉरम अप्लाई किया है और फायर ऑफिसर पोस्ट पे, दोनों पे ही, ठीक है। तो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको अपन बोलते हैं DLB, उसने एक अमेंडमेंट किया है, नियमों में संशोधन किया है 14/9/2021 को। कब किया है? 14 सितंबर। तो आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एक्चुअली वो उसकी डेट थी अपने 10 के समथिंग, ठीक है, और ये 14 को किया है इन्होंने अमेंडमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियली, तो जब ये अमेंडमेंट ये गजट में यहाँ पर दिया था 14/9 को दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, इस बार जो आपके फायर ऑफिसर और फायरमैन की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा, रिटर्न के बाद में आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। और फिजिकल का क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया है कितना क्या है, जैसे कि एक नॉर्मली आपको पता होगा आपके वैकेंसी जाती है SSC GD की, ठीक है, तो सेम वैसा ही फिजिकल इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। मतलब इतना आसान नहीं है अब जॉब लगना, अब वही बच्चे जॉब लग पाएंगे जो जिनकी तैयारी रिटर्न की भी है और फिजिकल की भी है। जो बच्चे रिटर्न में पास कर सकते हैं लेकिन फिजिकल की तैयारी नहीं है, तो वो जॉब लगने का उनका सपना इस बार नाकाम हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पूरा अमेंडमेंट दिखा देता हूँ, डेट मैं आपको दिखा चुका हूँ और नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड बाय सेंशन 337 ऑफ द राजस्थान म्यूनसिपल एक्ट 2009, एक्ट नंबर 18 ऑफ 2009, द स्टेट गवर्नमेंट हेयर बाय मेक द फॉलोइंग रूल फ्यूचर द अमेंड द राजस्थान म्यूनसिपल सुप्रिंटेंडेंट एंड मिनिस्टर सर्विस रूल 1963। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, अपने राजस्थान में जितनी भी वैकेंसी आती है, तो उनके लिए एक रिक्वायरमेंट रूल 1963 लिखा हुआ है, जिसमें सारा विवरण दे रखा है कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, ठीक है। और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है वैकेंसी निकलता है, वही क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो मेन जो रूल है वो 1963 का, और उसमें अब ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, छोटे छोटे अमेंडमेंट कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये कुछ चीज़ें नई ऐड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें पुरानी उनको हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेंडमेंट रूल नंबर 21। इन रूल 21 ऑफ द राजस्थान म्यूनसिपल सुप्रिंटेंडेंट एंड मिनिस्टर सर्विस रूल 1963 द एक्सेटिंग प्रोविजन शैल बी नंबर हैज सब रूल -1 ब्रैकेट एंड आफ्टर सब रूल 1 ब्रैकेट सो नंबर द फॉलोइंग न्यू सब रूल 2 ब्रैकेट। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है, इन्होंने पोस्ट मेंटेन अंडर द सब हेड एच फायर फाइटिंग ऑफ हेड ए, और यहाँ पर इन्होंने विवरण दे दिया है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसको अपन बोलते हैं RSSB, जिसने इस बार आपका नोटिफिकेशन जारी किया है, ठीक है। एनी अथॉरिटी ऑफ एजेंसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। ये चीज़ें तो कन्फर्म है, ठीक है, पहले आपका होगा यहाँ पर बेसिक प्रैक्टिकल टेस्ट, ठीक है, फिजिकल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर आगे इन्होंने यहाँ पर लिखा दोज कैंडिडेट हु फेल्स टू सिक्योर मिनिमम 33 मार्क्स, 33 मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा रिटन टेस्ट में, ठीक है, ये कम से कम, अगर इससे कम आता है तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है, सीधा बाहर, ये समझ लीजिए। एंड इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रिपल मिनिमम ऑफ, इन्होंने यहाँ पर जो है ST SC के लिए जो है 28% मार्क्स रिटर्न में एग्जामिनेशन सेल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन प्रैक्टिकल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट एंड फाइनल मेरिट सेल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेंड इन प्रैक्टिकल टेस्ट फिजिकल टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन द स्कोप ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फिजिकल टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट सेल बी हैज अंडर। तो यहाँ पर इन्होंने इसका क्राइटेरिया दे दिया है, ठीक है, रिटन टेस्ट जो है आपका 70 मार्क्स का होगा, फिजिकल टेस्ट जो है आपका फिजिकल टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट जो है आपका 150 मार्क्स का होगा दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 मीटर रन आपकी जो है 400 मीटर की जो है दौड़ होगी, इसके आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 15 मार्क्स। टाइमिंग इन्होंने फिक्स की है, अगर आप इसको 1.20 मिनट में करते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इसको है 1.25 मिनट में करते हैं तो आपको इसके 10 मार्क्स मिलेंगे, अगर 1.30 मिनट में करते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, और विद इन यहाँ पर 1.40 लिखा हुआ है इसमें करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और एबो ऑफ 1.40 मिनट से भी ज़्यादा में करते हैं तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर सेकेंड नंबर पर आप देख सकते हैं लॉन्ग जंप, नो टाइम लिमिट दे रखी है इन्होंने, ठीक है। 15 मार्क्स इसके फिक्स किए हुए हैं, 12 फिर अगर आप लॉन्ग जंप लगाते हैं तो 15 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। अगर आप 12 फीट से 11 से 12 फीट लगा पाते हैं, ठीक है, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर 10 से 11 फीट लगा पाते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। 8 से 10 फीट लगा पाते हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और 8 फीट से भी कम लगा पाते हैं तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। रॉक क्लाइंबिंग इसके लिए जो है नो टाइम लिमिट लिखा है, और 15 मार्क्स इसके भी फिक्स किए हुए हैं। तो इसमें भी आपको जो है 15 फीट के 15 मार्क्स, 13 से 15 फीट के 10 मार्क्स, और 11 से 13 फीट के 8 मार्क्स, 9 से 11 फीट के 4 मार्क्स, और 9 फीट से कम करते हैं आप तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं एल्यूमिनियम फायर लैंडर क्लाइंबिंग नॉन स्टॉप आफ्टर स्टार्ट क्लाइंबिंग एक्सटेंशन लैंडर ऑफ 35 फीट हाइट एंड 30 सेंटीमीटर नो टाइम लिमिट 15 मार्क्स, इसके भी इन्होंने जो है 15 मार्क्स फिक्स किए हुए हैं। अगर 30 फीट करते हैं आप तो 15 मार्क्स मिलेगा, 25 से 30 फीट करते हैं तो 10 मार्क्स, और 20 से 25 फीट करते हैं तो 8 मार्क्स, 15 से 20 फीट करते हैं तो 4 मार्क्स, और 15 फीट से कम करते हैं तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं 90 मार्क्स, ठीक है, जिसमें 100 मीटर रन विद फायर लिफ्ट एफ्रॉक्स वेट बिटवीन 50 से 60 केजी एवरेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसके लिए जो है एक मिनट में अगर आप करते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा, और एक से जो है 1.10 का टाइम लेते हैं आप तो 15 मार्क्स, और यहाँ से 1.10 से 1.20 मिनट का टाइम लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, और 1.20 से 1.30 मिनट्स लेते हैं तो 8 मार्क्स मिलेंगे, और 1.30 से ज़्यादा टाइम लेते हैं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर में आपको यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 45 मीटर फायर होज ड्रिल विद मेल या फीमेल कंपलिंग एट डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन ईच होज फायर होज पाइप ऑफ 15 मीटर लॉन्ग एंड अप्रॉक्स 12 से 13 केजी वेट। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 सेकंड में करेंगे तो आप 20 मार्क्स पक्के हैं आपके, अगर 31 से 40 सेकंड लेते हैं तो 15 मार्क्स, और 41 से 50 सेकंड लेते हैं तो 10 मार्क्स, और 51 से 60 सेकंड लेते हैं तो 8 मार्क्स। यहाँ पर आ जाइए थर्ड नंबर पे, यूज ऑफ फायर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं वेयरिंग यूजिंग ऑफ सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीथिंग एपरेटस टाइम लिमिट दे रखी 60 सेकेंड, और इसके जो है आपके 20 मार्क्स है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका भी इन्होंने क्राइटेरिया वो कर रखा है सभी का, ठीक है। इसमें 6 नंबर, इसमें भी 6 नंबर, इसमें भी 6 मार्क्स, और इसमें 2 मार्क्स, इस प्रकार टोटल 20 मार्क्स मिलेंगे आपको। सर्च ऑफ रेस्क्यू SAR, इसमें भी आप देख सकते हैं इन्होंने कितने मार्क्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, 15 मार्क्स किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज ऑफ रेस्क्यू मेथड ड्यूरिंग एंट्री इन स्मोक चैम्बर रूम एनी वन मेथड आउट ऑफ रेस्क्यू टॉय ड्रग पब्लिक ब्लो लाइन ड्रग टाइम लिमिट इन दे रखी 60 से 90 सेकंड के 5 मार्क्स मिलेंगे आपको,
और सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं, तो इसका भी इन्होंने टोटल जो है आपके 15 मार्क्स फिक्स किए हैं, तो 5 इसमें मिलेंगे, 5 इसमें, 3 इसमें, 2 इसमें। और फर्स्ट एड से रिलेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज ऑफ ट्रेंगुलर बैंडेज हेड या जॉ बैंडेज, और इसमें आप देख सकते हैं टाइम लिमिट इन्होंने कितना क्या मेंशन किया हुआ है, टाइम लिमिट 4 सेकंड किया हुआ है, तो इसमें भी आपको टोटल 15 मार्क्स का है ये मैटर भी आपका। तो इसमें 5 नंबर इसके 5 नंबर इसके 3 नंबर 2 नंबर इसके, तो यहाँ पर पूरी PDF एक साथ में दिख रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको हम ये सेंड कर देंगे, ठीक है। तो पूरी PDF आप एक साथ देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये लेटेस्ट ही है, ठीक है, और इस बार आपका मतलब फायरमैन बनना इतना आसान नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। पिछली बार कैसे क्या हुआ था उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बार अमेंडमेंट इन्होंने कर दिया तो कर दिया। जैसे कि आप सभी को पता होगा सैनिटरी इंस्पेक्टर में भी इन्होंने अमेंडमेंट किया, क्वालिफिकेशन में जो सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा जाता था तो वो हटाई दिया है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर के बच्चे तो इतने भोले वाले हैं कि उन्होंने उसका विरोध भी नहीं किया, 2-5 बंदों ने किया था, तो उनकी हियरिंग अभी कोर्ट में चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुई है। तो अगर आप चाहे तो इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको वो भी सजेस्ट नहीं करूँगा, बड़ी मुश्किल से तो वैकेंसी जाइए, तो मैं नहीं चाहता बच्चों की वैकेंसी जो है कोर्ट में जाए, अटक जाए, इस पे स्टे आ जाए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है इस अमेंडमेंट को फॉलो करें और इसकी फिजिकल की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दें। थैंक यू।